एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छी डील्स वगैरह चल रही है तो मैंने सोचा कि फटाफट फड़ से एक ज्वेलरी हॉल शेयर कर देते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एलिगेंसी ज्वेलरी शेयर की है सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू ऑल राइट गाइज तो सबसे पहला ज्वेलरी सेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है ये नेकलेस आप देख सकते हैं चाहे तो आप इसको मंगलसूत्र बोल सकते हैं या नेकलेस बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ है इस तरह की एंड इसके साथ आपको ये वाले ईयर भी मिल जाएंगे आप देख सकते हैं इसको आई थिंक मैंने छठ पूजा मेकअप में पहना था बट इसको मैं बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी फ़ोटो भी लगा दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि मैं अच्छे से डिस्प्ले नहीं करती हूं बट अब मैं अच्छे से डिस्प्ले करूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे प्राइस इसका है थ्री नाइनटीन ब्रांड नेम है इसका ग्रिशा ज्वेलरी मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर यह सेट लगा आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट लगा इसमें आपको यहाँ पे हल्का सा पिंक डिटेलिंग मिल जाएगी इसमें और भी कलर हैं पिंक है ग्रीन है रेड है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा एंड बिल्कुल गोल्ड बिल्कुल गोल्ड अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ना तो उनको यही लगेगा कि ये रियल गोल्ड है इसकी ऐसी फिनिश आप फिनिश देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी फिनिश है नीट एंड क्लीन ये देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा प्लस इसकी जो लेंथ है ना वो परफेक्ट लेंथ है आप पीछे से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे हुक्स मिले हुए हैं तो आप आराम से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं मैंने इसको दो तीन मेकअप लुक में पहना है तीन चार बार पहन चुकी हूँ कलर इसका बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है अगली जो चीज़ है वो है ये गोल्ड बैंगल्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है एंड ब्रांड नेम है इसका सरवरी इमिटेशन प्राइस इसका है फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज़ बट फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज़ वर्थ करता है इसकी आप पास से सिर्फ डिटेलिंग देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर है इसमें आपको ग्रीन एंड रेड दोनों के डि केलिंग मिल जाएगी आप इसको चाहे तो रेड साड़ी पे ग्रीन साड़ी पे या गोल्ड है तो हर किसी साड़ी पे ये चला जाएगा आप चाहे तो इसके बीच में कांच वाली बैंगल्स डाल सकते हैं इसको आगे पीछे करके पहन सकते हैं या मेरी मॉम को तो ऐसे ही पहनना पसंद है मतलब उनको इस तरह के सिंगल ऐसे पहनना पसंद है तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं मल्टीपल तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं या आप दोनों को बीच में रख के आगे पीछे कांच की चूड़ियाँ पहन सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है प्लस इसकी जो फिनिश है ना बहुत अमेजिंग है मैं सबसे ज़्यादा फिनिश देखती हूँ क्योंकि देखो चीज़ें ना अफोर्डेबल मिल भी जाती हैं बट पता चल जाता है उनकी फिनिश देख के पता चल जाता है इसके आप अंदर देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही फ़ाइन इसकी फिनिश है इसको भी मैंने एक दो मेकअप वीडियो में अभी पहना है आप लोगों ने देखा होगा एंड इसका भी कलर जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है बिल्कुल जैसे लग रहा है नया और इसकी जो ये डिटेलिंग है ना ये फ्लावर बने हुए हैं छोटे छोटे तो ये मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लगे एंड काफ़ी रॉयल लुक आ रहा था इसको पहनने के बाद तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप न्यूली वेड हैं तो चूड़ियों के आगे पीछे तो पहनते ही हैं लोग तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं उसके बाद है ये चोकर सेट जो आप देख सकते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये सेट एंड इसका जो ब्रांड नेम है वो है देवन्या क्राफ्ट एंड प्राइज इसका है टू नाएं जिसमें आपको इस तरह के टॉप्स भी मिल जाएंगे वैसे चोकर के साथ टॉप्स ही अच्छे लगते हैं या छोटी सी कोई स्टड हो वही अच्छे लगते हैं अगर आप हैंगिंग पहनेंगे देन वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे एंड इसकी मैं डिटेलिंग आपको दिखा देती हूँ उस तरह की डिटेलिंग है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगा आप पीछे से भी देख सकते हो कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है एंड सामने से ये है इसमें कुंदन का काम है जो कि गोल्ड जो लाइट गोल्ड होता है उस तरह का गोल्ड है बिल्कुल डार्क वाला येलो वाला गोल्ड नहीं है बट ये गोल्ड कैटेगरी में ही आएगा गोल्ड एंड वाइट पोलर इस वजह से एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड डिटेलिंग देखो हाफ मून ये वाली डिटेलिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई प्लस मैं उतना ज्यादा चौकर पहनती नहीं हूं क्योंकि मेरा नेक जो है वो छोटा है बट ये पहनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसको जरूर एक बार ट्राई करते हैं प्लस इसके साथ ये वाले टॉप्स आपको मिल जाएंगे तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं उसके बाद है ये हेयर बैंड आप देख सकते हैं इसमें भी इस तरह की डिटेलिंग है कुंदन वर्क है और कुछ भी मैं अपने लिए मंगवाऊँ और ओश ना मंगवाए अपने लिए पॉसिबल ही नहीं है मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ठीक है तो ये मैंने उसके लिए ही मंगवाया है फिलहाल मैं लगा के दिखा देती हूँ काफ़ी सुंदर लगेगा ये आजकल बहुत चल रहा है इसमें तो मैंने देखा है कि मांग टीका भी अटैच्ड रहता है कई कई में बट मैंने ये ओस के लिए मंगवाया है इस वजह से मैंने टीका वाला नहीं कंसिडर किया एंड इसका जो ब्रांड नेम है वो है कुंदन विद एडी वर्क गोल्ड प्लेटेड बाई अर्बन लक करके कुछ है एंड टू एटी फाइव का ये मिला है काफ़ी सही है क्योंकि आजकल जो माथा पट्टी आती है उसको बांधने का झंझट होता है कि कहाँ बांधे फिर वो खिसकती रहती है बट इस तरह के हेयर बैंड्स जो होते हैं वो काफ़ी इजी हो जाता है उनको पहनना और अंदर से भी इसका काफ़ी नीट काम है क्योंकि एक बार मैंने बैंड ऐसे लिया था तो वो बालों में फंस रहा था जब भी मैं निकाल रही थी तो इसके साथ ऐसा नहीं है इसमें भी आपको मल्टीपल कलर मिल जाएंगे रेड ग्रीन पिंक तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं वेडिंग ज्वेलरी लो या ट्रेडिशनल ज्वेलरी लो उसमें जावेरी पर्ल्स की ज्वेलरी ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये है जावेरी पर्ल्स से मैंने लिया है और इसमें आपको माथा पट्टी इस तरह से और मांग टीका दोनों मिल जाएगा काफी सुंदर है काफी एलिगेंट है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया यहां पे इसकी ये चेन है इस चेन से आप इसको यहां पे अटैच कर सकते हैं देन यहां पे आप पिन या हुक या डोरी से अटैच कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसकी ब्रांड नेम है जावेरी पर्ल्स एंड इसका जो प्राइज है वो है फोर बट इसकी मैं पास से आपको डिटेलिंग दिखा देती हूँ बहुत ही नीट क्लीन एंड काफ़ी क्वालिटी वाला है और हैवी सा पूरा ये सेट है और ये अलग अलग है क्योंकि ये मैंने जब देखा ना तो ये दूसरी ब्रांड से है इसको मैंने अलग मंगवाया इसको मैंने अलग मंगवाया लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुआ ना तो दोनों के दोनों मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा के सेट बन गया है मांग टीका चोकर एंड उसका और काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है मतलब अगर ना बताओ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग, अलग ब्रांड से ये अलग अलग पीस है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैचिंग है तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया है अगर आप यू नो न्यूली वेड हैं या आपको इस का कुछ भी हेयर स्टाइल करना है माथा पट्टी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो पहनना है अलग से आपको माथा पट्टी नहीं लगानी है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ आप सबने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर